नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ काविन चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर देहात को अपराध मुक्त बनाने के इरादे से पुलिस अधीक्षक की कुर्सी संभालने वाले आईपीएस अधिकारी स्वप्निल ममगई अपने इरादों पर कामयाब होते दिख रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ज्वाइनिंग के समय ही जनपद को एक संदेश दे दिया था कि वे जनपद को अपराध मुक्त करने की ओर तेजी से काम करेंगे। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि जिसका असर अब दिखने लगा है। पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई की सख्ती के चलते अब कानपुर देहात जनपद की पुलिस भी हरकत में आ गई है। इसी के चलते कानपुर देहात की भोगनीपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक अभियुक्त जो कि कई सालों से हत्या, लूट और पशु क्रूरता अधिनियम कई धाराओं का आरोपी था, फरार चल रहा था। यही नहीं, 25,000 का इनामिया भी था आज पुलिस के जो हत्थे चढ़ गया। पुलिस की इस बड़ी सफलता पर पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है स्वप्निल ममगई ने, पहले आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया था अपने ज्वाइनिंग के समय कि हमारी प्राथमिकता है, शासन की प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। उसी क्रम में हमने आज बहुत हमारी टीम ने, जिसमें सीओ भोगनीपुर, इंस्पेक्टर भोगनीपुर और एसओजी प्रभारी व अन्य लोग सम्मिलित हैं, इनके द्वारा एक बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त की गई है। 25,000 रुपये का इनामिया है नौशाद, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है, जैसा कि आप लोगों को बताया भी जा चुका है प्रेस नोट के माध्यम से। और 2016 से लेकर अब तक के कहीं ना कहीं अपराध करता रहा है, हर तरीके के संगीन जुर्म, जिसमें हत्या, गौकशी, पशु क्रूरता, आर्म्स एक्ट आदि इसके द्वारा किए गए हैं। तो इस क्रम में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के स्तर से इस पर 25,000 रुपये का ऑलरेडी इनाम घोषित है, और इसके सघन तलाश की जा रही थी हमारी टीमों द्वारा, जिसमें संयुक्त रूप से थाने की टीम एवं एसओजी टीम लगी हुई थी। और उसी क्रम में आज ये पकड़ा गया है, और अगर आवश्यकता पड़ती और एक दो दिन और नहीं पकड़ा जाता तो इसका हम लोग आगे इनाम बढ़ाने के लिए संस्तुति भी करने वाले थे। बट बेशक ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, और ये पहला, मुझे खुशी है कि ये प्रथम वर्कआउट, एक अच्छा वर्कआउट है, और शासन की जो प्राथमिकता है उसके क्रम में ये कार्रवाई हुई है, जिसके लिए हमने अपनी टीम को सम्मानित भी किया है 11,000 रुपये नकद पुरस्कार। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, 24 घंटे नहीं बीते और स्वप्निल ममगई जी ने जो चार्ज संभाला उसका अब असर दिखने लगा है कानपुर में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें काव्यन्द्र की जनपद कानपुर देहात में जब से स्वप्निल ममगई जी ने चार्ज संभाला है तब से एक नई पहल देखने को, पुलिसिंग जो देखने को मिलती है गाही बगा है। अब 24 घंटे में उसका असर देखने को मिल रहा है। अपराधी अपनी आपराधिक प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे थे। 25,000 का इनामिया आज पुलिस के हत्थे चढ़ा है, और ये बड़ी कामयाबी दरअसल 24 घंटे के अंदर ही, जब से एक आईपीएस अधिकारी जो 11 बैच के हैं जनपद के कारभार ग्रहण किया है, उनकी प्राथमिकता थी कि कानून व्यवस्था को कायम करना, जिले को जो अपराध मुक्त बनाना, उसके तहत ये बड़ी कामयाबी है। और इसके तहत लगातार जो आगे भी कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जाएगी, जो उनका कहना है साफ तौर से जनपदवासियों को स्पष्ट संदेह वो देते हुए नजर आए हैं। इसके चलते कानपुर देहात की भोगनीपुर व स्वाट टीम की पुलिस को बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी अपराधी था और इसको अवैध असलहे के साथ जो जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता जनपद कानपुर देहात की पुलिस को हाथ लगी है। बिल्कुल। और जितेंद्र जी, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी नवागत एसपी कानपुर देहात के द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, तो क्या ये उसी ओर कदम बढ़ चले हैं? देखिए कारण, पहले भी मैं उस बात को कह चुका हूँ कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, ये बड़ी मतलब सफलता है पुलिस के लिए, जनपद कानपुर देहात पुलिस के लिए ये बड़ी सफलता कही जाएगी कि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और 25,000 का इनामिया अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। ये स्वाट टीम और भोगनीपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जो संदेश देना चाहते थे स्वप्निल ममगई आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, जनपद के कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पुलिसिंग का जो एक रूप है
वो अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे स्वप्न ममगई साहब, और आज अपराधियों की गिरफ्तारी की तस्वीरें लेकर आए हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कानपुर देहात की अब तस्वीर आने वाले समय में बदलती हुई दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं काजल जी कि आने वाले समय में, क्योंकि आगामी चुनाव भी होना है, विधानसभा 2022 का चुनाव भी हो, एक बड़ी जो है मतलब चुनाव की प्रक्रिया पुलिस के द्वारा कराई जाती है, उससे भी एक बेहतर जिम्मेदारी का निर्वहन उनके द्वारा कहा गया था कि बराबर निभाएंगे, साथ ही कानून व्यवस्था का राज जनपद में कायम करेंगे। पुलिसिंग जो लोग अपने रवैये के लिए जाने जाते हैं कि अपना काम चलाया और नहीं हुआ तो अपना छोड़ दिया होगा, तो वो चीज अब देखने को नहीं मिलेगी। बेहतर ढंग से चाहे दिन हो चाहे रात हो, पुलिसिंग का एक जो रूप होता है, फूड पेट्रोलिंग हो या जब्त का माहौल हो, तो लगातार ये देखने को मिलेगा जनपद में, उनका ये पहले दिन से ही कहना है। तो बिल्कुल तेज तर्रार पुलिस कप्तान कानपुर देहात के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज ही तस्वीरों के साथ साफ कर दिया कि कानपुर देहात में अब अपराध करना भूल ही जाए अपराधी तो बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो कानपुर देहात से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर स्वप्निल ममगई साहब कल ही चार्ज लिया और आज बड़े अपराधियों को गिरफ्तार करवा दिया। ये तस्वीर देखिए, जैसा कि उन्होंने कल कहा था कि अपराध मुक्त करना कानपुर देहात को उनकी प्राथमिकता है, और वैसे ही कुछ तस्वीरें आज हकीकत बयां करती हैं। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका प्रशासन सार्वजनिक जगहों पर लगे राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स हटाने में जुटा हुआ है। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन जिले में जगह जगह लगे राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने की कवायद में जुट गया। साथ ही प्रशासन गाड़ियों में लगे राजनीतिक पोस्टर भी हटा रहा है। इस दौरान प्रशासनिक अफसरों ने चुनाव के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के पूर्ण अनुपालन का दावा किया है। आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, और ये पूरे ज़िले में जो भी राजनीतिक पार्टियां अपने पोस्टर, बैनर सरकारी संपत्तियों पे, चाहे वो खंबा हो, स्कूल हो या कोई भी सरकारी आवास हो, सभी जगह से पोस्टर बैनर हटवाए जा रहे हैं, और इसके बाद जो भी इसका उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सभी गाड़ियों पे जो भी पोस्टर बैनर लगाए हुए हैं उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और आज से एक मैसेज ये चले आप लोगों की तरफ से भी रहे कि जिनकी गाड़ियों पे है, अभी हम लोगों ने कुछ गाड़ियों से उतरवाया है, तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार रहेगा, किसी भी पार्टी का हो उस वो गाड़ी में पोस्टर बैनर लगा के नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कोविड-19 का पालन करने के लिए भी लोगों को अपील की जा रही है, और रात में 10 से 6 है उस संदर्भ में भी लोगों को बताया जा रहा है। वहीं बरेली में आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट हो गया। आचार संहिता लगते ही प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम की टीमें सड़क पर उतर आईं और प्रशासन की निगरानी में राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर उतारना शुरू कर दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नगर निगम और नगर पालिकाओं की टीम ने सबसे पहले सरकारी भवनों पर लगाए सरकारी बैनर पोस्टर हटाए, उसके बाद शहर के विभिन्न चौराहों, गलियों में जितने भी राजनीतिक बैनर पोस्टर लगे थे उन सबको हटा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे का कहना है कि आचार संहिता लागू होते ही हमारी टीम ने राजनीतिक बैनर पोस्टर हटा दिए हैं। सभी तहसील क्षेत्रों के निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग से जैसे ही निर्देश मिले उनका अनुपालन शुरू करा दिया गया। आचार संहिता के समय से अब अनुमति के बाद ही राजनीतिक बैनर पोस्टर लगाए जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के पश्चात आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके तहत किसी भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इन सब का सार्वजनिक प्लेसों पर बिना अनुमति लगा रहना ठीक नहीं है। उसी के तहत ये कार्रवाई आचार संहिता के अनुपालन में कराई जा रही है। कहाँ शहर से देहात तक कहाँ चलाई जा रही है? सभी जगह, सभी विधानसभाओं में ये कार्य किया जा रहा है, और उसके आरओ उसके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसका अनुपालन करा रहे हैं।
चुनावी प्रक्रिया की तिथि घोषित करते ही पुलिस पूरे तेवर में आ गई है। देर शाम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में होने वाले चुनाव प्रक्रिया की तिथि घोषित होते ही जिला पुलिस बिना रुकावट के मैदान में उतर गई। शाम होते ही जिला पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देश पर शहर के मुख्य चौराहों पर लगी राजनेताओं से संबंधित पोस्टर एवं बैनर उखाड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया। इसी के तहत शहर के अंबेडकर चौराहा सहित अन्य कई चौराहों जहां पर नेताओं की होर्डिंग व पोस्टर लगे थे, पुलिस ने युद्ध स्तर पर उन्हें उखाड़कर सभी चौराहों को होर्डिंग से विहीन कर दिया। खबर चंदौली से है, जहां चुनाव का बिगुल बजते ही पुलिस भी तैयारियों में जुट गई। वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक के सत्यनारायण चंदौली जनपद में पहुंचकर चुनाव तैयारियों का उन्होंने जायजा लेते हुए पोलिंग बूथों एवं पुलिस पार्टी के ठहरने सहित विभागीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। चंदौली जिले में शनिवार को के सत्यनारायण पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा पुलिस अधीक्षक चंदौली एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदेय स्थलों, बूथों, CPMF व अन्य बलों के ठहरने वाले स्थलों, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जलीलपुर, मुगलसराय, जयपुरिया स्कूल झंडी मुगलसराय, पंडित हरीश मिश्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चंदौली सहित अन्य स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक आदेश निर्देश दिए हैं। आज जो है मैं जनपद चंदौली का भ्रमण पर आया हूं और आते रास्ता में जो है जहां CPMS का फोर्स रुकने का व्यवस्था देखा गया और तीन स्थानों पर मैं पर्सनली देख के उनके लिए क्या क्या सुविधाएं वहां उपलब्ध है उन चीज़ों को देखी गई है और साथ में मतदान केंद्रों का, चार मतदान केंद्रों का भी भ्रमण किया गया और वहां का मतदान केंद्र का जो है वो चारों ओर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी देखा गया और साथ में जो है फिर सभी अधिकारियों के साथ यहाँ चंदौली में मीटिंग कर दी गई। देश के पांच राज्यों के साथ यूपी में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस प्रशासन के साथ नगरपालिका कर्मचारियों की तीन अलग अलग टीमों ने शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे तमाम राजनीतिक दलों के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाना शुरू कर दिया। महोबा सदर SDM जितेंद्र सिंह ने बताया कि देश के पांच राज्यों के साथ यूपी में भी चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसके तहत शहर के तमाम इलाकों में लगे बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। शहर में तीन टीमों का गठन कर उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी होर्डिंग, पोस्टर को हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आचार संहिता लागू हो गई है पांचों प्रदेशों में चुनाव की, तो उसके तत्काल प्रभाव से जितने भी बैनर होर्डिंग किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं वो हटा दिए जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी वॉल पेंटिंग हैं उन्हें भी हटाना है, उन पर भी पुताई करानी है। कहाँ से अभियान की शुरुआत की है? अभियान तहसील तिराहे से तीन टीमें चली हैं, एक हमारी वाले आला चौक से इधर की तरफ जाएंगी परमानंद की तरफ, तहसीलदार के साथ गई है PDWD की तरफ, नायब तहसीलदार की तरफ दाहिने तरफ वाली। कानपुर कमिश्नर असीम अरुण ने आज एक पोस्ट के जरिए खलबली मचा दी। उन्होंने दरअसल बताया है कि उन्होंने VRS लेने की सोच ली है और वो VRS लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने BJP के साथ अपने संबंधों को लेकर भी खुलकर इस पोस्ट के जरिए लिखा है। उन्होंने बताया है कि वो अब VRS के लिए आवेदन कर चुके हैं और BJP का साथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कानपुर कमिश्नर ने VRS का ऐलान कर दिया है, वो VRS लेने वाले हैं। साथ ही उन्होंने BJP के दामन थामने के भी खुलकर संकेत दे दिए हैं। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सभी जिलों में प्रशासन हरकत में आ गया है। आदर्श आचार संहिता आज से लागू हो गई है और आचार संहिता को सख्ती से पालन कराने के लिए हापुड़ DM और SP के निर्देश में जनपद में प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज शहर में लगे होर्डिंग और पोस्टरों को उतारने की कवायद भी तेज कर दी गई। मौके पर खुद जिले के कप्तान और DM मौजूद रहे। DM अनुज सिंह ने इस दौरान बताया कि हापुड़ के प्रथम चरण में चुनाव होने हैं, इसलिए लगातार की जा रही तैयारियां उनको देखा है और वो पूरी भी हो चुकी हैं। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले से सभी होर्डिंग, पोस्टर व बैनर हटवाए जा रहे हैं।
देखिए आज चुनाव आयोग ने यूपी में 7 चरणों में चुनाव की घोषणा कर दी है और हापुड़ में प्रथम चरण में यह चुनाव होगा। इसी के परिपेक्ष में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, आदर्श आचार संहिता, तो वो लागू हो गई है। इसी के परिपेक्ष में जितने भी ऐसे प्रचार सामग्री जो किसी पार्टी विशेष द्वारा लगाए गए होते हैं उसको हमें 24 घंटे में हटाना होता है और उसके एक सर्टिफिकेट हमें आयोग को भेजना होता है। तो उसी के परिपेक्ष में आज हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। जितने भी शहरों में जो पोस्टर बैनर या वॉल पेंटिंग इत्यादि है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। इसके उपरांत जितने भी जो पोस्टर बैनर इत्यादि लगेंगे वो संबंधित जो आरोप हैं उससे अनुमति लेने के उपरांत ही लगेंगे। सर, चुनाव आयोग ने भी कहा है कोरोना संक्रमण जैसे बढ़ रहा है तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, कोरोना संक्रमण को लेकर जैसा कि आप लोगों ने भी चुनाव आयोग की पीसी सुनी होगी, उसमें आयोग ने बताया कि उन्होंने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने गाइडलाइंस में संशोधन किए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।